शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 1 सितंबर 2020 को सौंदर्य, कला और क्रिएटिविटी के कारक शुक्र का गोचर 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा प्रधान राशि कर्क राशि में होने जा रहा है, तो इसका 12 राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो मिथुन राशि और कर्क राशि के ऊपर इस गोचर का कैसा प्रभाव होगा, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो देखिए, 1 सितंबर 2020 के पूर्व शुक्र मिथुन राशि में मौजूद थे, जो 1 सितंबर 2020 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर 28 सितंबर 2020 तक मौजूद रहने के पश्चात सिंह राशि में चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं इसका दोनों राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं शुक्र ग्रह के बारे में। तो देखिए, ज्योतिष में शुभ ग्रह के नाम से शुक्र को जाना जाता है और शुक्र के शुभ प्रभाव के कारण बहुत सी कलाओं में जातक की रुचि होती है, बहुत सी विधाओं में जातक पारंगत होता है। कुंडली पर मजबूत अवस्था में यदि शुक्र होते हैं तो जातक आकर्षण व्यक्तित्व का धनी भी होता है। साथ में संगीत, साहित्य, नृत्य, फिल्म, इन विधाओं में जातक की काफी रुचि होती है और इन फील्ड में यदि जातक इन्वॉल्व होता है तो सफल भी होता है। साथ में जिस व्यक्ति की कुंडली पर शुक्र मजबूत अवस्था में होते हैं वह जातक साफ सुथरा रहने की कोशिश करता है, उसकी जो वाणी होती है बहुत मृदु होती है, जातक दीर्घायु होता है। साथ में संगीत, साहित्य, नृत्य, गायन, वादन में काफी तीव्र रुचि उसके मन में पैदा होती है और इन विधाओं में काफी वो आगे भी बढ़ता है। साथ में काम, वासना जैसे विषयों में भी काफी ज्यादा रुचि होती है। वृषभ और तुला राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। शुक्र के शुभ प्रभाव के कारण वैवाहिक जीवन काफी खुशनुमा और शानदार होता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। वहीं पीड़ित शुक्र के होने पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो शुक्र से जुड़े हुए उपाय को कर कर दूर किए जा सकते हैं। कमजोर शुक्र के होने पर पति पत्नी के संबंध में मतभेद और निरंतर कलह भी बनी हुई रहती है। वहीं कमजोर शुक्र के होने पर आंख से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसका मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के दूसरे घर में यानी द्वितीय भाव में शुक्र प्रभावी रहेंगे, गोचर होने जा रहा है। द्वितीय भाव से पारिवारिक जीवन, सुख, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को शुक्र गोचर का काफी शुभ परिणाम जीवन में देखने के लिए मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है। इस गोचर काल के पश्चात विद्यार्थी कठिन से कठिन सवालों का हल निकालने में समर्थ होंगे। वहीं काफी जो रुचि है काफी तीव्र रहने वाली है, एकाग्र होकर अध्ययन के विषयों में जुटने के लिए समर्थ हो पाएंगे। पुराने समय से ही यदि विद्यार्थी जीवन में कोई समस्या चली आ रही थी तो उसके समाप्त होने की संभावना बनेगी। इस समय बद में आपका मनोबल और उत्साह भी काफी ज्यादा मिथुन राशि वाले जातकों का बढ़ा हुआ रहने वाला है। व्यापारिक जीवन में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, मन में नए विचार आ सकते हैं जो व्यापारिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काफी समर्थ होंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको श्रेष्ठ मुकाम पर ले जाने के लिए भी समर्थ होंगे। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में पुराने समय से पूर्व में कुछ परेशानियां चली आ रही थी जो समाप्त होने की संभावना इस गोचर काल के पश्चात बन सकती है। आपके वाणी में वो आकर्षण पैदा होगा जो सामने वाले व्यक्तियों को काफी प्रभावित करेगा, इससे मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको काफी ज्यादा होगी। इस समय में मिथुन राशि वाले जातकों को रिश्ते में बदलाव आ सकते हैं। प्रेम जीवन में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। वहीं वहां प्रेम जीवन में आपको कठोर शब्दों का प्रयोग करने से भी बचने की आवश्यकता होगी। खर्च पर भी आपको नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता होगी। हालांकि आपका कॉन्फिडेंस और ऊर्जा स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है, जो आने वाले समय में अच्छी स्थितियों का निर्माण पारिवारिक जीवन में भी करेगा और आपके जीवन में भी करेगा। स्वास्थ्य की दिशा से भी यह गोचर काफी सावधान आपको रहने की समझाइश है। आंखों को लेकर विशेष रूप से आप सावधान रहें और वाहन चलाते भी आप सावधान होकर जरूर चलें। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर काफी अनुकूल और शुभ परिणाम जीवन में देगा। यहाँ पर आपके लिए कुछ खास उपाय की बात अगर की जाए तो यदि अनिष्ट शुक्र के प्रभाव आपके ऊपर प्रभावी हो तो ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप सफेद वस्तुओं का दान आप जरूर कर सकते हैं, सफेद रंग का दान जरूर कर सकते हैं। साथ में आप माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर कर सकते हैं। साफ सफाई पर आपको विशेष रूप से ध्यान दें, घर में भी रखने की आवश्यकता होगी और शारीरिक रूप से भी साफ सफाई की विशेष रूप से ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी।
आप इत्र वगैरह का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। ओम सुन शुक्राय नमः मंत्र का जप करना भी 108 बार आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। तो आइए जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर यह गोचर कैसा प्रभाव देगा। शुक्र गोचर का कर्क राशि वाले जातकों के लग्न भाव में प्रभावी रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों को इस गोचर के कई अनुकूल परिणाम जीवन में देखने के लिए मिलेंगे और कई प्रतिकूल भी देखने के लिए मिलेंगे। लग्न में शुक्र के प्रभावी होने के कारण कर्क राशि वाले जातकों की बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता काफी बढ़ेगी, जिससे आप जटिल एवं कठिन परिस्थितियों में भी आपका जो मनोबल और उत्साह है वो बढ़ा हुआ रहने वाला है। यदि विपरीत स्थितियां भी आपके जीवन में चल रही होंगी तो वहां पर भी आप पूर्ण रूपेण आश्वस्त होकर चलते हुए नजर आएंगे और निडर होकर चलते हुए नजर आएंगे। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता हुआ यह गोचर नजर आएगा और इस गोचर काल के पश्चात कैरियर की दिशा में आप अच्छे सफलता को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। यदि आप शुक्र से जुड़े हुए व्यवसाय में हैं या शुक्र से जुड़े हुए फील्ड में यदि आप इन्वॉल्व हैं, जैसे संगीत, साहित्य, नृत्य, इन फील्ड में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको सम्मान की प्राप्ति भी होगी। व्यापारिक जीवन के लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है। परिवार के किसी व्यक्ति से आपकी कहा सुनी इस गोचर काल के पश्चात हो सकती है। वहीं स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। तो यह गोचर आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। इस समय अवधि में कर्क राशि वाले जातकों को आंख मूंद कर किसी व्यक्ति पर भरोसा करने से जरूर बचने की आवश्यकता होगी और व्यर्थ के बातों में किसी व्यक्ति से बिल्कुल भी आप ना उलझे। तो आपके लिए अगर कुछ खास उपाय की बात की जाए तो यदि अनिष्ट शुक्र के लक्षण आपके ऊपर प्रभावी हो, तीन उपायों को आप जरूर कर सकते हैं। चमकदार और सफेद वस्तुओं को आप धारण जरूर करें। इस समय अवधि में आप ओम सुन शुक्राय नमः मंत्र का जप जरूर कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन दही, खीर और सफेद वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ आपके लिए रहने वाला है। गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।